हेलो, मैं हूँ अव्वल। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी या इंग्लिश, एक बागीचे की तरह होती है, एक गार्डन की तरह होती है। जैसे बागीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, कुछ पुराने मुरझा जाते हैं, कुछ नए निकल आते हैं और कुछ बदल दिए जाते हैं। इसी तरह लैंग्वेज में भी, भाषा में भी तरह तरह के वर्ड्स होते हैं। कुछ पुराने वर्ड्स टाइम के साथ निकल जाते हैं और कुछ नए वर्ड्स जोड़ दिए जाते हैं। जो इंग्लिश शेक्सपियर के टाइम पर बोली जाती थी, अब नहीं बोली जाती। जो हिंदी चाणक्य के टाइम पर बोली जाती थी, अब बहुत बदल चुकी है। आजकल हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को ये नहीं कहता, हम आपसे अथाह प्रेम करते हैं। वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जो इंग्लिश हमें स्कूल में सिखाई जाती है, वो भी एक फिक्स्ड सिलेबस के मुताबिक होती है, जो कई कई साल बदला ही नहीं जाता। और फिर जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी इंग्लिश एक अलग ही लेवल की होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को, टीवी प्रोग्राम्स को अपनी लाइफ में जरूर रखो, ताकि जब आप जॉब ज्वाइन करो तो आपका बॉस भी कहे, ये बंदा मेरे काम का है। इंग्लिश के ऐसे ही 5 मॉडर्न वर्ड्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, ताकि आपकी इंग्लिश भी किताबी ना रह जाए, बुकिश ना रह जाए, आप भी मॉडर्न इंग्लिश बोल सको। तो फिर शुरू करें। पहला वर्ड है शू, मतलब डराकर भगा देना। जैसे आपकी बाइक पर कोई बर्ड, कोई चिड़िया बैठ जाए तो आपको डर होता है कि वो बाइक गंदी ना कर दे, तो आप उसे शू करके उड़ा देते हो। बस यहीं से बना है ये वर्ड शू, मतलब डराकर भगा देना। अब ये वर्ड सिर्फ किसी बर्ड या एनिमल के लिए ही नहीं, किसी भी सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप हिंदी में कहते हो चल हट, बिल्कुल इसी तरह से मक्खियों को हटाओ, शू द फ्लाइज। एक मक्खी होती है फ्लाई और मक्खियां होती हैं फ्लाइज। पुलिस भीड़ को दूर भगा देगी, द पुलिस विल शू द मॉब अवे। दुकानदार ने भिखारी को भगा दिया, द शॉपकीपर शूड द बेगर अवे। शू की पास्ट फॉर्म है शूड, यानी डराकर भगा दिया। नेक्स्ट वर्ड। कई बार हम किसी बच्चे के साथ सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं और वो बच्चा हमसे पहले ही आगे बढ़ने लगता है, तो हम जोर से चिल्लाते हैं, रुको रुको रुको। जब ऐसे एकदम से रुको कहना हो तो मॉडर्न इंग्लिश में हम कहते हैं वो। ये वर्ड बना कैसे? जब अंग्रेज घुड़सवार, हॉर्स राइडर्स, अपने घोड़े को रोकने के लिए उसकी लगाम खींचते हैं, उसकी रेंस खींचते हैं, तो मुंह से बोलते हैं वो। वहां से बना ये वर्ड कि अपनी जुबान को लगाम दो, अपनी हरकतों को लगाम दो, वो। इसके स्पेलिंग पर मत जाना, इसे लिखा ऐसे जाता है पर बोलने में ये है वो, बिल्कुल हिंदी वाला वो। मान लो आप किसी को कुछ बता रहे हो और सामने वाला अपनी बात शुरू कर देता है, तो आप कह सकते हो रुको रुको रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, वो वो वो, आई एम नॉट फिनिश्ड येट। अगर आपसे कोई चैट कर रहा है और कुछ गलत बात लिखता है जो आपको मंजूर नहीं, तो आप उसे रोक सकते हो, वो बिहेव योर सेल्फ, रुको ढंग से पेश आओ। नेक्स्ट वर्ड। कई बार हम कोई ऐसी बेवकूफी वाला काम करते हैं कि बाद में हमें खुद ही हंसी आती है। जैसे कि आपने फोन हाथ में पकड़ा हो और आसपास ढूंढ रहे हो कि फोन कहां है, और जब बाद में रियलाइज होता है कि फोन हाथ में ही था, तो हम कहते हैं मैं भी ना, यानी मैं भी ना कितनी जाहिर सी बात नहीं समझ पाया। इसी तरह से कई बार हम किसी दूसरे की बेवकूफी के लिए भी कहते हैं तुम भी ना। बेवकूफी अपनी हो या किसी दूसरे की, मॉडर्न इंग्लिश में इस बात को कहने के लिए हम कहते हैं डा, यानी कितनी जाहिर सी बात थी पर समझ नहीं पाए। मान लो आपसे कोई कहता है कि हम अमेरिका कैसे जाएंगे, उसके लिए तो वीजा लगता है, तो आप कहते हो तो हम वीजा लगवाएंगे, डा। इसे बोलने में डा बोला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको दर्द हो तो आप आ करते हो, वैसे ही डा। मान लो आप अपनी वाइफ को कहते हो कि कल संडे है, कल मैं फ्री हूं तो कल तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवा दूंगा, और आपकी वाइफ कहती है कल संडे है तो कल बैंक भी तो बंद होगा ना, और आप अपनी इस बेवकूफी पर कहते हो डा, यानी मैं भी ना। नेक्स्ट वर्ड। जब आप किसी को चुप कराते हो तो आप श करते हो। यहीं से बना है इंग्लिश वर्ड शश, जिसका मतलब है चुप कराना, बोलने से मना करना।
अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए और वो आपको कहे चुप, तो आप उसे कह सकते हो मुझे चुप करने को मत कहो, डोंट यू शश मी। अगर आप सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हो तो आप अपने साथ वालों को कह सकते हो कि अपने बच्चों को चुप करने के लिए कहो, प्लीज आस्क योर चिल्ड्रन टू शश। जब मैंने पैसे मांगे तो पापा ने मुझे चुप करा दिया, माई फादर शश्ड मी व्हेन आई आस्क्ड फॉर मनी। शश की पास्ट फॉर्म है शश्ड, यानी चुप करा दिया। नेक्स्ट वर्ड, जब हम किसी से हां या ना में उनकी राय पूछते हैं, मान लो आप अपने दोस्तों से पूछते हो कि समर वेकेशन के लिए नैनीताल सही है, हां या ना, यस और नो। मॉडर्न इंग्लिश में आप यस और नो की जगह इस तरह से पूछो, ये और ने। रेस 3 देखने के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये और ने। वैसे इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये और ने। मैं आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।